हेलो एवरीवन, यू आर ट्रूली वेलकम इन हार्टोन स्किल सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट टेबल, आप मार्कशीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, कॉलम्स लिए हुए हैं, रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स, इन सभी को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। देन फिर यहाँ से टोटल मार्क्स कितने में से हैं, परसेंटेज निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, ग्रेड निकालेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में रैंक, ठीक है। तो हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप देख सकते हैं, ये पे मार्क्स देख रहे हैं आप, इसको आप कैसे इजीली बना सकते हैं, कैसे आप मार्क्स दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला बता दूंगा मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आप सभी मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, कम्प्लीटली डिलीट कर देता हूँ। देखिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 5। तो इक्वल रैंडम बिटवीन आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। रैंडम बिटवीन, देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक बॉटम और एक टॉप, ठीक है। ये क्या है, इसके बेसिकली एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं आप इसको। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 33,100, यानी कि कम से कम आपके 33 नंबर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 100। यानी रैंडम बिटवीन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रैंडम बिटवीन यानी 33 और 100 के बीच में कोई भी एक रैंडमली नंबर अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। एंटर, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ जाएगा 33 और 100 के बीच में। फिर इसको आप ऐसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कीबोर्ड शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने इसको यहाँ पर किया और क्या किया, कंट्रोल के साथ आर, ठीक है, कंट्रोल आर। और अगर आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ डी, कंट्रोल डी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नंबर से ये ऑटोमेटिक चेंज होंगे, मतलब कहीं पे भी अगर मैं टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पे टाइप किया, तो आप देख सकते हैं टेबल के अंदर नंबर्स जो हैं ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। अगर आप इनको फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, फिक्स करना चाहते हैं, अगर आप कहीं पर भी कुछ भी टाइप करेंगे तो ये नंबर्स ऑटोमेटिक आपके चेंज हो रहे हैं। इनको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, कॉपी, कॉपी करने के बाद इसी पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है पेस्ट के अंदर वैल्यूज़, ठीक है, या फिर आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये रहा वैल्यूज़, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अब ये आपके फिक्स्ड हो गए, यानी ये आपके चेंज नहीं होंगे। आप कहीं पर कुछ भी अगर आप टाइप करेंगे तो ये देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है, यानी उसको आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। चलिए अब आपको क्या करना है, इन सब का टोटल करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो दो तरीके हैं, दोनों ही बता देता हूँ आपको। इक्वल सम, एक तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आपने इनको सिलेक्ट किया रेंज को, ठीक है, और एंटर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं इन सब का टोटल जो है यहाँ पे शो होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कीजिए, इनको ऐसे सेलेक्ट कीजिए और एक सेल एक्स्ट्रा आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट प्लस इक्वल, ठीक है, ऑल्ट के साथ प्लस इक्वल। देखिए ऑल्ट के साथ प्लस इक्वल जैसे आप प्रेस करेंगे ये क्या कर देगा, ऑटो सम। और मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ऐड, ठीक है, ऑल्ट के साथ प्लस इक्वल आपको यूज़ करना है। अब इसको ड्रैग करने के लिए तो आप डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए, यहाँ से माउस रख के इस तरह से आप इसको ड्रैग करते हुए नीचे लेके जाएंगे तब भी हो जाएगा। और तीसरा तरीका क्या है, आप इसको ऐसे सेलेक्ट करो और कंट्रोल डी प्रेस कर दो, कंट्रोल प्लस डी, तो इस तरह से भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल मार्क्स, अब आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं और ये जो मार्क्स हैं वो आपके 100 में से हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 500, ठीक है, यानी आपके 500 में से कितने मार्क्स हैं, ये यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स हैं। और जो 500 है वो आपका सेम रहेगा सभी में, तो इस तरह से ड्रैग कर देंगे। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज। देखिए परसेंटेज निकालने के भी आपको दो तीन मेथड हैं। देखिए सबसे पहले तो इक्वल जो भी आपके ऑब्टेन मार्क्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 5, तो 5 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे ये आपको परसेंटेज शो करेगा, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ पे मैंने परसेंटेज सिंबल यूज़ किया हुआ है, इसको मैं आपको बताऊँगा कैसे यूज़ होगा, बट पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, जनरल कर देता हूँ, ठीक है। तो 59% हो गए आपके, ठीक है, इस तरह से आप इसको ड्रैग करेंगे।
ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या है? देखिए, फर्स्ट मेथड में आपने क्या किया, ऑब्टेन मार्क्स को आपने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, ठीक है। अब दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ मैं, इक्वल एवरेज, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, ठीक है, इनको आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जैसे ही आप इंटरप्रेस करेंगे तो जो आउटपुट पहले आ रही थी सेम आउटपुट आ रही है आपकी, ठीक है, 59.6। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड क्या है, देखिए, सबसे पहले तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। इस तरह से क्या आ जाएगी आपकी परसेंटेज। तो तीनों ही मेथड से आपका सेम आउटपुट आएगी। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप इसके पीछे परसेंटेज का साइन चाहते हैं तो उसके लिए दो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक तो इसके अंदर ऑप्शन होता है मोर के अंदर जाके, यहाँ पे आप कस्टम यूज़ कर सकते हो। कस्टम, जैसे कि आप देख सकते हो, कस्टम के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको दोनों ही करके दिखा देता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट मेथड है, देखिए आपको करना क्या है, इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जनरल के अंदर देखिए लास्ट ऑप्शन है मोर नंबर फॉर्मेट, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम आपको शो होगा, ठीक है। और ये आपको पॉइंट वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस देके, देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको करना क्या है, डबल कोट के अंदर इस तरह से स्पेस देना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको करना है परसेंटेज का साइन इस तरह से, और क्या कर देंगे, ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन शो हो जाएगा। शायद जूम हुआ नहीं, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, कुछ कोई नहीं। देखिए, इसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, इसके अंदर कस्टम के अंदर जाएंगे, ठीक है, मोर नंबर फॉर्मेट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंपली ये सिलेक्ट करना है, ये जो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर आपको परसेंटेज का साइन देना है, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, दूसरा मेथड क्या है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैं इसको एक बार जनरल कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, पहले जैसा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ये वाला साइन यूज़ करते हैं इसके पीछे परसेंटेज का, तो आप देखिए ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा। अब आपको चेंज क्या करना है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो 100 मल्टीप्लाई है इसको यहाँ से रिमूव करना है आपको, ठीक है, और एंटर दबा देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, ठीक है, परसेंटेज में आ गया सभी। अब अगर आप पीछे पॉइंट लगाना चाहते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप परसेंटेज का साइन लेके आ सकते हो। बट इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 जो मल्टीप्लाई किया था उसको हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे परसेंटेज पे आप क्लिक कर देंगे या फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट, रिज़ल्ट आपका जैसे कि पास या फेल, अगर आपकी परसेंटेज 40 से अबोव है तो आप पास, अदरवाइज फेल। तो इक्वल, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है इफ़ का। लॉजिकल टेस्ट में आपने इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर इक्वल क्या कर दिया आपने, 40। अगर 40 से ज़्यादा है आपके मार्क्स परसेंटेज, सॉरी, अगर आपकी परसेंटेज 40 से ज़्यादा हैं तो क्या शो करेगा, पास, कोमा लगा के, अदरवाइज फेल, ठीक है। तो इसको इस तरह से, और एंटर। तो आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें मैं स्प्रिंट कर दिया, 40 से अगर ज़्यादा, अब यहाँ पे आपको परसेंटेज का साइन देना पड़ेगा इस तरह से। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अब एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अगर आपके 40% से अबव हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास। अगर आपकी परसेंटेज कम है, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी परसेंटेज कम कर दी, 39% कर दिया, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, फेल। अब देखिए इसके अंदर आपको परसेंटेज का साइन लगाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी तो आपने लगाया परसेंटेज का साइन। अगर आप कस्टम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको मैं वापस क्या कर देता हूँ, कस्टम फॉर्मेट कर देता हूँ, मोर फॉर्मेट में जाके इसको क्या करना अपने, कस्टम, ठीक है।
और आप देख सकते हैं ये जो अभी आपने बनाया था इस तरह से, इसको डबल कोट में रखना है आपने, ठीक है। और क्या कर देंगे, ओके। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको ड्रैग कर लेंगे। अब इधर आपको यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी परसेंटेज का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप परसेंटेज का साइन जो है यहाँ से रिमूव कर दीजिए। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद ग्रेड, अगर आपकी 90% से अबव है तो ए ग्रेड, ठीक है, और 80 से अबव है तो बी ग्रेड। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ़ इक्वल इफ़। अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, परसेंटेज अगर ग्रेटर इक्वल है 90, ठीक है, अगर 90 से ऊपर है या उसके इक्वल है तो क्या शो होगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए ए, ठीक है, और डबल कोट बंद। फिर से आपको कोमा लगाना है, फिर से आप क्या देंगे, कंडीशन देंगे इफ़, ठीक है। अब फिर से आपने क्या किया, परसेंटेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर इक्वल 18, ठीक है, 80 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो कोमा लगा के आपको क्या देना है, बी ग्रेट, फिर कोमा, फिर से इफ़ यूज़ करेंगे, फिर से आपको क्या करना है, परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 60 से ऊपर है या उसके इक्वल है तो सी ग्रेड। फिर से आपने कोमा लगाना है और यहाँ पे क्या देना है, इफ़। फिर से आप क्या करेंगे, परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, कोमा, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर का साइन इक्वल का साइन, अगर 40 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो कोमा लगा के क्या जाएगा, डी ग्रेड, अदरवाइज वो हम यहाँ पे दे देंगे फेल, ठीक है। और फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेंगे, देखिए ग्रीन ब्रैकेट, ठीक है, वॉयलेट है, रेड है और लास्ट में ब्लैक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक, रेड, वॉयलेट, ठीक है, उस कलर के अकॉर्डिंग एंटर, तो ये डी ग्रेड शो कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है, ये देखिए 60 से अगर ऊपर होती तो सी ग्रेड होती, इसकी है 50, ठीक है, 60 से अबोव होती तो क्या होती, सी ग्रेड। अब इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे, ठीक है, इस तरह से ग्रेड आ जाएगी, ठीक है, सभी की सी ग्रेड, बी ग्रेड आ रही है। अगर मान लो इसकी हम 90% कर देते हैं, मैनुअली मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है, सपोज मैनुअली मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 90%, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, ए ग्रेड, ठीक है। इस तरह से तो ई फॉर्मूला इस तरह से काम करेगा आपका। इसके अंदर आपको नेस्टेड इफ़ को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, 90 से अबव है तो ए ग्रेड, अगर आपकी 80 से अबव या इक्वल है तो बी ग्रेड, ठीक है, 60 से अबव है तो सी ग्रेड, और इस तरह से डी ग्रेड और फेल। रैंक कैसे निकालेंगे, इक्वल, इसके लिए आप रैंक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, रैंक। अब इसके अंदर आपको क्या सिलेक्ट करना है, परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, कोमा, अब यहाँ पर रेफरेंस देना है, तो आप क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से आपने क्या लगाया, कोमा, और यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये जो रेंज आपने सेलेक्ट किया इसको क्या करना है, आपने लॉक, उसके लिए आप यूज़ करेंगे F4 और एंटर, देन इसको क्या करना है आपने, इस तरह से ड्रैग, ठीक है। तो देखिए जिसकी अच्छे मार्क्स हैं, 90% है, उसकी क्या आ रही है, फर्स्ट रैंक आ रही है, ठीक है, 77 है तो उसकी सेकेंड रैंक आ रही है, तो इस तरह से रैंक दे सकते हैं आप यहाँ पे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट टेबल। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।